टी20 विश्व कप 2022 को लेकर भारतीय टीम की रणनीति आखिर क्या है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। इस साल अक्टूबर में टी20 विश्व कप का आयोजन होने वाला है। पिछले साल हुए वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री थे। टीम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई थी। अब पूरी तरह से टीम बदल चुकी है। रोहित शर्मा के रूप में टीम के पास नया कप्तान और राहुल द्रविड़ के रूप में नया कोच है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच राहुल द्रविड़ ने वर्ल्ड कप में कैसी टीम रहेगी इस बारे में भी जानकारी दी है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में मिली जीत के बाद द्रविड़ ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे और रोहित के साथ सिलेक्टर्स के बीच वर्ल्ड कप की कॉम्बिनेशन को लेकर तस्वीर बहुत हद तक साफ है। इसका कोई तय फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम टी20 वर्ल्ड कप के लिए संयोजन और संतुलन को लेकर काफी हद तक स्पष्ट हैं। हम इसी के इर्द गिर्द टीम को तैयार कर रहे हैं और खिलाड़ियों के वर्कलोड को भी मैनेज कर रहे हैं। भारतीय हेड कोच ने यह भी कहा कि जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें ये आसान नहीं है। हम खुद को केवल 15 खिलाड़ियों तक सीमित नहीं करना चाहते हैं, हम खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं। हम ये तय करना चाहते हैं कि जब तक हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएं तब तक हमारे कुछ खिलाड़ियों को कम से कम 10 से 15 या 15 से 20 मैचेस का अनुभव हो। इससे रोहित शर्मा को उनके साथ खेलने, उन्हें अपनी मानसिक स्थिति में गेंदबाजी सौंपने का मौका मिलेगा। लेकिन संतुलन बनाए रखने के लिए हमें किसी खिलाड़ी के चोटिल होने की स्थिति में कुछ बैकअप भी रखने पड़ेंगे। आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज सीरीज में बल्ले और गेंद से कमाल का प्रदर्शन करने वाले वेंकटेश अय्यर की राहुल द्रविड़ ने तारीफ की है। द्रविड़ ने कहा कि हम जानते हैं कि वे अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी में ओपनर के तौर पर खेलते हैं, लेकिन हमारी राय स्पष्ट थी कि हम उन्हें अपनी स्थिति के अनुसार किस तरह की भूमिका देना चाहते हैं। हमारे पास शीर्ष तीन में जगह नहीं है, इसलिए हमने उनके सामने एक चुनौती रखी। हमने उसे एक भूमिका सौंपी और हर बार उसने बेहतर खेल दिखाया, उसमें सुधार दिखाया, जिसे देखकर वास्तव में अच्छा लगा। आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ वेंकटेश अय्यर ने 3 मैचों में 184 के स्ट्राइक रेट से 92 रन बनाए और 2 विकेट भी झटके। आखिरी मैच में अय्यर ने 19 गेंदों में शानदार 35 रनों की पारी खेली। वहीं टी20 विश्व कप 2022 की बात करें तो 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में इसका आगाज होगा और 13 नवंबर को मेलबर्न में फाइनल खेला जाएगा। टूर्नामेंट में कुल 45 मुकाबले 7 अलग अलग शहरों एडिलेड, ब्रिस्बेन, जीलोंग, होबार्ट, मेलबर्न, पर्थ और सिडनी में होंगे। भारत को सुपर 12 में पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और 2 क्वालिफायर के साथ ग्रुप 2 में रखा गया है। भारत पूरे टूर्नामेंट में कुल 5 मैच खेलेगा। पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ, दूसरा मुकाबला 27 अक्टूबर को ग्रुप ए के रनअप के साथ, तीसरा 30 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, चौथा मैच 2 नवम्बर को बांग्लादेश और 5वां 6 नवम्बर को ग्रुप बी के विनर के साथ होगा। फिलहाल जानकारी ये है दोस्तों कि टी20 विश्व कप 2022 को लेकर भारतीय हेड कोच राहुल द्रविड़ ने अपनी नीति साफ कर दी है। स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स।